सो हैवी वन फर्स्ट ऑफ़ वेलकम टू माई चैनल माई सेल्फ शिदीश पाटेगढ़ एम द फर्स्ट एम बी बस स्टूडेंट एट सी जी एम सी सो आज गई वीडियो बनान लो ऑन सी जी एम सी क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड ऑफ एम बी बी एस काउंसिल हो गया है एंड कॉलेज भी अलॉट हो गया सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको कॉन्ग्रेचुलेसन यू जी एम एस सी मिला है एंड आज चंद्रपुर में डिस्कस करेंगे सो so, इसमें मैंने वीडियो को पाँच टॉपिक में डिवाइड किया है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिटी के बारे में जानेंगे एंड दैन कॉलेज कैंपस एंड इवेंट्स इन और कॉलेज चैनल सो स्पोर्ट्स जो कि सबसे ज्यादा फेमस uh, है मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं एंड ऑल्सो अबाउट एटलास रैगिंग के बारे में जैसे सबसे ज़्यादा डीम उसके बारे में आते हैं कि आपके कॉलेज में रैगिंग होती है या नहीं सो so, सब डिस्कस करेंगे एंड होप यू ऑल लव दिस वीडियो एंड सबसे पहले इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि अभी मेरे नाइन फिफ्टी सब्सक्राइबर्स हो गए सो वन थाउजेंड कर दो जल्दी एंड लेट्स स्टार्ट वीडियो सो फर्स्टली अबाउट द सिटी सो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट गेज आता है महाराष्ट्र में एंड वो विदर्भ रीजन में आता सो so, चंद्रपुर गेज आ, फेमस है ताडवा नेशनल पार्क की वजह से उस डिस्ट्रिक्ट में आता ताडवा एंड वो बहुत ही अच्छा साइट है मतलब एंड अल्सो गई वहाँ पे कोल माइन्स भी है सो so, कोल माइन्स की वजह से वहाँ पे गई बहुत सारी उम्र है मतलब मुझे बताया गया था ऐसा कि वहाँ के एटमोस्फेयर में कोल्ड डस्ट है एंड वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता सो ऐसा गैस कुछ भी नहीं है वहाँ पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर हाई है एंड बट अकोला से तो कंपेरेबल है क्योंकि अकोला में फोर्टी टू फोर्टी होता है एंड वहाँ पे भी होता है सो so, अराउंड 42 फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस इन समर समर में थोड़ा बढ़ता बट uh, थोड़ा कमी है एंड विंटर में तो बहुत कम हो जाता सो so, टेम्परेचर का इतना कोई इशू नहीं आप बियर कर सकते हो नक्स्ट अबाउट द गज कॉलेज कैंपस सो कॉलेज कैंपस ग सिटी के अंदर प्रेजेंट है इन रामनगर एरिया एंड ओल्ड कैंपस के बारे में आपको पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में सो so, मेरे एक फ्रेंड ने अच्छा वीडियो बनाया पूरा कैंपस दिखाया उसमें सो so, आप एक बार वो भी देख लो कि कैसा है कैंपस एंड ऑल्सोवाइज अब वो न्यू कैंपस न्यू कैंपस बल्लार शाह रोड पर थोड़ा दूर है वहाँ से लेकिन वो बहुत बड़ा है आपको मैं थोड़े क्लिप्स भी दिखाऊंगा सो so, बहुत अच्छा कैंपस है नया कैंपस होप सबको मिल जाए जल्दी एंड ऑल्सोवाइज कैंप जो ओल्ड कैंपस है उसमें फर्स्ट ईयर को हॉस्टल नहीं मिलता बट वहाँ पे कॉलेज के आसपास ही आपको बहुत सारे रूम्स मिल जाएंगे सो so, रूम्स का इतना कोई टेंशन नहीं है एंड मेज भी अवेलेबल है कॉलेज के सामने है एंड मेज़ का फूड भी अच्छा है दो तीन मेज है वहाँ पर सो so, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो एंड कॉलेज कॉलेज की भी एक ख़ुद की मेज़ है सो so, आप कॉलेज की भी ज्वाइन कर सकते हो नक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द गेज इवेंट्स सो so, हमारे कॉलेज में इवेंट्स बहुत तरह के ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें जी जो कि बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है एंड वो दस दिन का इवेंट होता है एंड हर एक दिन आप अगर अलग अलग कमिटी ऑर्गेनाइज़ करती है एक एक दिन पे सो so, बहुत बड़ा इवेंट होता है एंड बहुत मज़ा आता है उसमें कल्चरल नाइट भी रहते हैं एंड उनके गेम्स भी रहते हैं जैसे आर्ट्स के गेम्स अलग रहते हैं एंड कल्चर के अलग एंड स्पोर्ट्स के भी रहते हैं सो आप बहुत इन्जॉय करेंगे उसमें एंड एट लास्ट डी जी नाइट भी होती जो कि जिसमें तो सबको मजा आता है डीजे में सो so, आप बहुत एंजॉय करोगे में, गैदरिंग uh, भी रहती And also, first year में सबसे important होता है वैसे freshers, जो कि आप एक मेमोरीज बनाते हो आपके बैचमेट्स के साथ फ्रेशर्स बट अब अभी तक हमें नहीं मिला फ्रेशर्स सो so, देखते कब मिलेगा बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हैं सो so, नेक्स्ट हम बात करें स्पोर्ट्स सो so, हमारे कॉलेज में गे स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लेवल पे खेला जाता है लाइक क्रिकेट वॉलीबॉल बास्केटबॉल एंड ऑल्सो फुटबॉल एंड ऑल्सो इंडोर गेम्स लाइक कैरम चेस टेबल टेनिस ऑल्सो अवेलेबल है सो आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो जो आप में आपको जिसमें इंटरेस्ट है एंड ऑल्सो बैडमिंटन भी खेला जाता एंड सबसे बड़ा इवेंट होता है कि क्रिकेट का सो क्रिकेट में गए एम पी एल मैंने ऑलरेडी ब्लॉक बनाया है एम पी एल पर कितने लेवल पे खेला जाता क्योंकि उसमें चंद्रपुर के जो भी डॉक्टर्स है वो टीम बनाते हमारे स्टूडेंट्स को लेते हो लाइक आई पी एल में जैसा होता सेम उसमें होता सो so, बहुत मज़ा आता उसमें एम पी एल में एंड अल्सो सी सी एल भी रहता आपके सीनियर्स के अगेंस्ट आप खेलते हो आपके बैच की एक टीम रहती सो so, उसमें भी मज़ा आता इन्जॉय करोगे आप ऐसे इवेंट्स को एंड बाकी भी आ, स्पोर्ट्स खेले जाते हैं so, सो आप जिसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप खेल सकते हो ऑल्सो बउट इज़ वॉलीबॉल वॉलीबॉल बॉल का भी एक लीग होती है वी सो वॉलीबॉल की भी अच्छा इवेंट रहता है था, चार पाँच दिन का आप उसको भी एन्जॉय करोगे एंड ऑल्सो अब टू फुटबॉल उनका भी है रहता सो एट लास्ट हम बात करेंगे अबाउट टू रैगिंग जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर बच्चे हर सीनियर को आते हैं जूनियर बैच जब आती है सो so, इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि आपके कॉलेज में रैगिंग होती है नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गई रैगिंग किसी भी कॉलेज में अभी होती नहीं है एक फन वाला इंटरेक्शन रहता लाइक like, आप किसी भी कॉलेज में जाओ मुंबई जाओ या पुणे जाओ सभी कॉलेज में गई एक इंटरेक्शन रहता है ये सीनियर एंड जूनियर का एंड एक फन वाला रहता आप सबको गई बहुत मज़ा आएगा उसमें क्योंकि हमने भी दिया है मतलब मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ सा हमारा इंटरेक्शन रहता ही है सीनियर्स के साथ अभी भी सो so, आप भी तो उसको एंजॉय करोगे सो so, इतना भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है सो so, रैगिंग होती है सीवियर रैकिंग मतलब आपके साथ फिजिकल कभी कुछ नहीं होगा लाइक like, कोई भी सीनियर आपको मतलब हाथ नहीं लगाएगा ऐसा कभी नहीं होता फिजिकल रैगिंग बैन है सो so, आपको कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपके साथ क्या होगा सो so, आप फर्स्ट ईयर में आओगे एन्जॉय करो पढ़ाई करो एंड फ़िलहाल अभी तो आई थिंक फर्स्ट राउंड हुआ है सब भी सेकेंड राउंड एंड मॉपअप सो अभी दो एक महीना बाकी है सो आप आई थिंक जनवरी में आ ही जाओगे वैसे आपका जो करिकलम है आई थिंक ट्वेंटी फिफ्टीन नवम्बर से स्टार्ट होने वाला है बट अभी आप भी तो राउंड ही ख़त्म नहीं हुए सो कॉलेज कहाँ से स्टार्ट होगा बट देखते होप आप आ जाओ एंड एन्जॉय करो वो इस फर्स्ट ईयर को हम अभी भी एन्जॉय कर रहे थे बट अभी हमारी एग्जाम है जनवरी में सो अभी बहुत पढ़ाई का माहौल है सो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं एंड होप आप सबको वाइज ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा बहुत सारे आपके क्वेश्चन है उसको भी मैंने डिस्कस किया है कोई इतना पता है नहीं इन्जॉय करो आई होप आप सबको बेस्ट चंद्रपुर जी एम सी मिले आप बहुत इंजॉय करोगे जी एम सी में न्यू कैंपस मिलेगा तो और भी इंजॉय करोगे सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा पसंद तो लाइक भी करना एंड सो चैनल को सब्सक्राइब करना में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में